हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों? आपने जन्माष्टमी अच्छी तरीके से मनाया होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। लेकिन आपकी क्लास जन्माष्टमी के दिन भी चली थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? 1-2 घंटे रेगुलर पढ़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, रेगुलरिटी रखनी चाहिए। चलिए बच्चों, आई एम टॉकिंग अबाउट क्लास 8, कक्षा 8 के बारे में बात कर रहा हूँ। और योर टॉपिक वॉइस वॉज ऑन प्रोग्रेस इन दिस टॉपिक और इन वॉइस वी विल टॉक अबाउट इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। प्यारे बच्चों, वॉइस के बारे में मैंने पिछली क्लास में जो बताया था उसको मैं एक बार और दोहरान कर देता हूँ। वॉइस एक्टिव और पैसिव दो प्रकार की होती है इंग्लिश में। एक्टिव वॉइस सेंटेंस आपको दिए हुए आते हैं और हम उसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, पैसिव वॉइस में बदलते हैं। फर्स्ट रूल, और फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेंज द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इनटू द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। सेकंड रूल इज राइट हेल्पिंग वर्ब। थर्ड रूल इज यू हैव टू राइट थर्ड फॉर्म ऑफ द मैन वर्ब। फोर्थ रूल इज राइट बाई प्रपोजिशन देन चेंज द सब्जेक्ट इन टू द ऑब्जेक्ट। बट माई डियर स्टूडेंट्स, इन फर्स्ट रूल वी चेंज द ऑब्जेक्ट एज मी इन टू आई, अस इन टू वी, यू इन टू यू, हिम इन टू ही, हर इन टू सी, इट इन टू इट, देम इन टू दे, नाउन इन टू नाउन। इन सेकेंड रूल, इफ देयर इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मैन वर्ब, राइट इज आर एन, सेकेंड फॉर्म वॉज वर्ब, आई एन जी, बीइंग, थर्ड फॉर्म बीन, मॉडल बी। ओके, द थर्ड रूल इज ऑलवेज राइट द थर्ड फॉर्म ऑफ द मैन वर्ब। एंड फोर्थ रूल इज चेंज राइट बाई प्रपोजिशन एंड चेंज द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इन टू द ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। इसके बाद मैंने आपको नियम बताया था, इट इज टाइम। यदि कोई सेंटेंस इट इज टाइम से प्रारंभ हो तो इट इज टाइम के बाद इन फाइनाइट वर्ब 2+ मुक्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है और इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। इट इज टाइम को लिखिए, इसके बाद 4 लगा करके पीछे से ऑब्जेक्ट को उठा के लाते हैं और उसके बाद इन फाइनाइट वर्ब मीन्स 2+ MB फर्स्ट को 2B थर्ड में बदल देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास आई टोल्ड यू इफ द सेंटेंस बिगिन्स विद डियर एंड डियर इज इनफाइनाइट वर्ब इन द सेंटेंस देन यू विल राइट और यू विल चेंज 2 MB फर्स्ट इन टू 2B थर्ड एट द सेम प्लेस। टूडे वी टेक इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इन इम्पेरेटिव सेंटेंस फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस एंड द स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव
एंड देन वी चेंज इट इंटू पैसिव वॉइस. डियर स्टूडेंट्स, द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस इन इम्पेरेटिव सेंटेंस यू विल फाइंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी. मीन्स इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस इन द फर्स्ट रूल इन एक्टिव वॉइस यू विल गेट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. देन द ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म, देन ईटीसी. समटाइम्स ईटीसी इज नॉट गिवन इन एक्टिव वॉइस. नो मैटर, यू विल फाइंड ईटीसी एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस एंड ऑल्सो इन पैसिव वॉइस यू विल राइट ईटीसी एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस. सो देयर इज नो मैटर इफ ईटीसी इज गिवन इन एक्टिव वॉइस और नॉट. इन पैसिव फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट लेट प्लस यू विल ब्रिंग द ऑब्जेक्ट. यू विल नॉट चेंज द ऑब्जेक्ट इनटू द सब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में नहीं बदलोगे. जैसा ऑब्जेक्ट लिखा हुआ वैसा का वैसा ही लिख दोगे. प्लस बी बी ई प्लस एम बी थर्ड. मीन्स टू से चेंज एम बी फर्स्ट इंटू द थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस ई टी सी. दिस इज योअर सेंटेंस. ओके, आई राइट हेयर सम सेंटेंसेज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव. डू इट माने डू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. इट इज द ऑब्जेक्ट. इफ यू वांट टू चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट लेट. ऑब्जेक्ट इट इज इट. देन राइट बी एंड चेंज फर्स्ट फॉर्म इनटू द थर्ड फॉर्म डी ओ एन ई. Let it be done. Okay. Next. Open the door. Look at the blackboard. MB first open is given. Object the door is also given. ETC is not given in the sentence, so no matter, my dear students. In passive voice, let object is the door be opened. Let the door be opened. In active voice, bring it to their knowledge. ये sentence दिया गया है, ये आपको बनाना है. मैं बता देता हूँ, अभी बनाना है. मैं देखूंगा, कमेंट बॉक्स में डालना है. एम बी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट इट और ई टी सी दिया गया है टू देयर नॉलेज. ई टी सी क्या दिया हुआ है? टू देयर नॉलेज. सो राइट हेयर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मैन वर्ब ऑब्जेक्ट इट टू देयर नॉलेज इज ई टी सी. You have to write in comment box
चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस एंड राइट इट इन कमेंट बॉक्स। इसको आप पैसिव वॉइस में चेंज करो, कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलो जल्दी कीजिए। वी डू नॉट हैव ऑल डे, हमारे पास पूरा दिन नहीं है, है नहीं है। चलिए आप इसको चेंज कीजिए, मैं बताता हूँ। अभी आपने लिखा, चलो मैं कमेंट बॉक्स में तो बाद में देखूँगा, अभी तो पढ़ा रहा हूँ। आप देखना इसको, कमेंट बॉक्स में नहीं डालते हो तो भी कोई बात नहीं, अपनी कॉपी पे बना लो। ब्रिंग, सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट ऑब्जेक्ट इज इट, देन राइट बी, थर्ड फॉर्म ऑफ ब्रिंग इज ब्रॉट, ईटीसी इज टू, देयर नॉलेज। ओके, आप इन सभी सेंटेंसेज को कॉपी कीजिए। मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, वो सेंटेंस आपको बनाना है। एक सेंटेंस दे रहा हूँ, वो सेंटेंस आपको बनाना होगा। एक्टिव से पैसिव का वो सेंटेंस आपको बनाना होगा। ओके, चलिए मैं यहाँ देता हूँ एक्टिव का, शट द विंडो। देखिए शट इज गिवन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मैन वर्ब, द विंडो। ये क्या दिया गया है, विंडो ऑब्जेक्ट। तो आपको ये सेंटेंस किस में बदलना है बच्चों, पैसिव वॉइस में बदलना है। किस में बदलना है, पैसिव वॉइस में। ओके डियर्स, आपने कॉपी कर लिया होगा। चलिए इसी के साथ आज की मैं क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक यू।